हेलो मेरे पढ़ाई करने वाले मित्रों, मैं डॉक्टर भारती परमार अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो है आर्ट करंट अफेयर्स का, और ये मैंने जो यूपी में परीक्षा होने वाली है टीजीटी पीजीटी, उसको ध्यान में रखकर बनाया है, क्योंकि इस वीडियो में कला से जुड़े जितने पद्म पुरस्कार हैं उनको बताया गया है, या यूपी में जिनको पद्म पुरस्कार मिले हैं उनको बताया गया है। तो ये एक शॉर्ट वीडियो रहेगा जिसमें कि आप इस तरह से मान लीजिए कि कम टाइम में अच्छी तैयारी हो सकती है। और यह है पद्म पुरस्कारों का इस सीरीज़ का पार्ट वन, और इसका सेकंड वीडियो भी लाऊंगी मैं, जिसमें आगे के और पद्म पुरस्कारों को मैं बताऊंगी। इसमें 20 प्रश्न हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो आइए जानते हैं पद्म पुरस्कारों के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि उत्तर प्रदेश में किस किस को पद्म पुरस्कार मिले हैं, या पद्म भूषण, विभूषण या पद्मश्री, और भारत में किस किस जगह पर किस किस राज्य से कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिले हैं, वो भी कला के क्षेत्र में। बस उतना ही पढ़ने के लिए महत्वपूर्ण है कला विद्यार्थियों के लिए, उसी को ध्यान में रखकर मैंने ये प्रश्न तैयार किए हैं। तो पहला प्रश्न है, वर्ष 2021 का पद्म विभूषण सम्मान किस गायक कलाकार को मिला है। गायकी भी कला में आती है, और 2021 का पद्म विभूषण मिला है मरणोपरांत गायक एसपी बालासुब्रमण्यम जी को। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, एसपी बालासुब्रमण्यम जी को मिला है पुरस्कार पद्म विभूषण। ऑप्शन सी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, गुलफाम अहमद ये उत्तर प्रदेश के हैं, इनको किस क्षेत्र में पद्म पुरस्कार मिला है। उन्हें मिला है पद्मश्री, और इन्हें मिला है कला में। ऑप्शन ए है इसका आंसर, कला में इन्हें पद्मश्री मिला है। उत्तर प्रदेश के हैं ये गुलफाम अहमद, इन्हें मिला है पद्मश्री। ऑप्शन ए है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, भूरी बाई कलाकार किस क्षेत्र में कार्य करती हैं। ये भूरी बाई हैं, इनको भी पद्मश्री मिला है, और इनका जो क्षेत्र है वो है जनजाति चित्रकारी। ये भील जाति के कलाकार हैं, और इनको पद्मश्री मिला है, और ये जनजाति चित्रकारी करती हैं, ट्राइबल आर्ट, और भील जाति की हैं। अगला प्रश्न है, पद्मश्री प्राप्त राधेश्याम बारले ये कलाकार किस प्रदेश से संबंधित हैं। तो राधेश्याम बारले जी जो हैं वो हैं छत्तीसगढ़ के। तो उसका आंसर है ऑप्शन सी, सॉरी बी, छत्तीसगढ़। मैं आपको सिर्फ कला के क्षेत्र के ही पद्म पुरस्कार बता रही हूँ आपको, जो कला परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, बीरन कुमार बस्क इनको मिला है पद्मश्री 2021 का, ये किस राज्य के हैं। तो ये हैं पश्चिम बंगाल के। आंसर है इसका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी। और इनका जो क्षेत्र है वो भी कला है, तो ध्यान रखिए कला में मिला है इनको पद्मश्री पुरस्कार, बीरन कुमार बस्क पश्चिम बंगाल के। अगला प्रश्न है, गोपी राम बुराक्त जो असम के हैं, उनको किस क्षेत्र में पद्मश्री 2021 पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बताया, मैं कला के क्षेत्र के पद्मश्री या पद्मभूषण बता रही हूँ, तो इनको मिला है कला में, कला के क्षेत्र में इनको मिला है पद्मश्री 2021 का पुरस्कार। ऑप्शन सी है इसका आंसर, गोपीराम बुरात असम के हैं, उन्हें मिला है पद्मश्री 2021 का कला के क्षेत्र में। पद्मश्री 2021 प्राप्त करता है नारायण देवनाथ, इन्हें भी कला के क्षेत्र में मिला है नारायण देवनाथ जी को पद्मश्री 2021 का, ये किस राज्य के हैं। तो नारायण देवनाथ जो हैं वो हैं पश्चिम बंगाल के, याद रखिए इन्हें भी कला के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है, और ये हैं पश्चिम बंगाल के नारायण देवनाथ। अगला प्रश्न है, कला के क्षेत्र में पद्मश्री 2021 प्राप्त दुलारी देवी किस राज्य से संबंधित है। देखिए कला के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है दुलारी देवी को, और ये हैं बिहार की। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बिहार, बिहार की हैं दुलारी देवी, इन्हें भी कला के क्षेत्र में 2021 का पद्मश्री मिला है। अगला प्रश्न है, ब्याम डीबिया इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला है 2021 का, ये भारत के नहीं हैं लेकिन इन्हें कला के क्षेत्र में मिला है, और ये हैं ऑप्शन है इसका आंसर, ऑप्शन बी, इंडोनेशिया के हैं ये, ऑप्शन बी, ब्याम डीबिया इनको पद्मश्री मिला है 2021 कला के क्षेत्र में, और ये है इंडोनेशिया के। अगला है,
पीटर ब्रुक, ये यूके के हैं, इनको पद्मश्री 2021 के क्षेत्र में मिला है। तो जैसे मैंने बताया आपको कला के क्षेत्र की बता रही हूँ मैं, तो इनको मिला है कला के क्षेत्र में पुरस्कार पद्मश्री, और ये हैं यूके के। ऑप्शन बी है इसका आंसर, पीटर ब्रुक यूके के हैं, यूनाइटेड किंगडम के, पद्मश्री 2021 मिला है इन्हें कला के क्षेत्र में। अगला है, कला क्षेत्र में पद्मश्री 2021 प्राप्त करने वाली भूरी बाई किस राज्य से संबंध रखती हैं। मैंने अभी आपको बताया जनजाति कलाकार हैं ये, भील जाति की, और ये रहती हैं भोपाल मध्य प्रदेश में। इसका आंसर है ऑप्शन बी। इनके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैंने इनके ऊपर थीसिस लिखी हैं और मेरे आर्टिकल्स भी इनके ऊपर पब्लिश हुए हैं भूरी बाई के ऊपर। और ये जनजातीय कलाकार हैं, भील जनजाति की, और ये है मध्य प्रदेश में, रहती हैं भोपाल में। तो इसका आंसर है बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, कला क्षेत्र में पद्मश्री 2021 प्राप्त करने वाले पूर्णा मानी जानी ये किस राज्य से संबंध रखते हैं। इन्हें भी कला के क्षेत्र में मिला है और ये है उड़ीसा के। इसका आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा के हैं ये, इन्हें कला के क्षेत्र में 2021 का पद्मश्री मिला है, पूर्णा मानी जानी इनका नाम है। अगला प्रश्न है, माथा बी मंजामा जोगती इनको कला क्षेत्र में पद्म पुरस्कार मिला है 2021 का, इनको कौन सा पद्म पुरस्कार मिला है। तो इनको मिला है, ऑप्शन है इसका आंसर सी, पद्मश्री मिला है इनको कला के क्षेत्र में। माथा बी मंजामी जोगती कला क्षेत्र में पुरस्कार मिला है और इन्हें मिला है पद्मश्री, और ये हैं कर्नाटक के। यहाँ को आपको बता दूँ ये कर्नाटक के हैं। अगला प्रश्न है, दामोदरन काथीपुरम इन्हें कला क्षेत्र में पद्मश्री 2021 मिला है, वे किस राज्य से संबंध रखते हैं। दामोदरन काथीपुरम ये कला क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त करता ये हैं केरल के। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ये केरल राज्य से हैं, इन्हें कला क्षेत्र में 2021 का पद्मश्री पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, महेश भाई और नरेश भाई कनौदिया को संयुक्त रूप से पद्म पुरस्कार दिया गया है। इन्हें दिया गया है पद्मश्री पुरस्कार संयुक्त रूप से, मरणोपरांत मिला है इनको, इन्हें मिला है पद्मश्री मरणोपरांत कला क्षेत्र में, महेश भाई और नरेश भाई कनौदिया, और ये हैं गुजरात राज्य के। याद रखिए ये गुजरात राज्य के हैं। अगला प्रश्न है, के केशवा स्वामी को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। के केशवा स्वामी ये हैं पांडिचेरी के, और इन्हें कला में मिला है पद्मश्री। इसका आंसर है कला, और ये हैं केशवा स्वामी पांडिचेरी के, ठीक है पांडिचेरी के हैं ये। अगला प्रश्न है, गुलाम रसूल खान ये जम्मू और कश्मीर के हैं, इन्हें किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2021 मिला है। इन्होंने किस क्षेत्र में प्राप्त किया है। गुलाम रसूल खान जम्मू कश्मीर के हैं, इनको मिला है कला के क्षेत्र में पद्मश्री। इसका आंसर है कला, ऑप्शन बी। गुलाम रसूल खान जम्मू कश्मीर के, इनको पद्मश्री 2021 मिला है कला के क्षेत्र में। अगला है, लाखा खान 2021 को इनको मिला है पद्मश्री, और किस राज्य से संबंध रखते हैं। तो लाखा खान जो हैं वो राजस्थान के हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। ये फोक आर्टिस्ट हैं राजस्थान के, गायकी में इनको मिला है लाखा खान जी को पद्मश्री पुरस्कार 2021 का। अगला प्रश्न है, संजीदा खातून इनको मिला है पद्मश्री 2021, ये किस देश की निवासी हैं। तो संजीदा खातून को भी कला के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है, और ये हैं बांग्लादेश की। याद रखिए कला के क्षेत्र में मिला है इनको भी, और ये बांग्लादेश की हैं। ऑप्शन सी है इसका आंसर। नेक्स्ट है, विनायक विष्णु खेड़कर इन्हें कला क्षेत्र में 2021 का पद्मश्री मिला है, ये किस राज्य के हैं। तो विनायक विष्णु खेड़कर हैं ऑप्शन ए, गोवा के। इन्हें कला के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है 2021 का, और ये हैं गोवा के। तो दोस्तों ये था फटाफट कला पुरस्कारों से जुड़ा हुआ, पद्मश्री पुरस्कारों से जुड़ा हुआ प्रश्नों का वीडियो। और अगर वीडियो आपको ये पसंद आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं इसकी आगे दूसरी
एक वीडियो और बनाऊंगी मैं, जिसमें और भी उत्तर प्रदेश से संबंधित और कला से संबंधित और प्रश्नों को मैं शामिल करूंगी। इसके अलावा मैंने कुछ करंट अफेयर्स से जुड़े हुए ये सवाल हो सकते हैं कि 2020 और 21 में अभी हाल ही में किस किस आर्टिस्ट की मृत्यु हुई है या किसको पुरस्कार मिले हैं, तो कुछ वीडियो मैं बना चुकी हूँ, जैसे सतीश गुजराल जी, ज्योत्सना भट्ट जी, इनकी हाल ही में मृत्यु हुई है और ये बहुत प्रसिद्ध कलाकार भी हैं, उन वीडियो को आप जरूर देखें। बाकी इनके प्रश्नोत्तर के वीडियो भी मैंने बनाए हैं और एक आर्ट, करंट अफेयर का आर्ट का एक अलग से वीडियो और बनाऊंगी, जिसमें कि सब कुछ बहुत शॉर्ट में आपको क्विक रिवीजन के हिसाब से समझ में आ जाएगा, तो ये काफ़ी आपके हेल्पफुल रहेगा। और आपको इस तरह की वीडियो अगर पसंद है और चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट पर लिख के बताएं, तो फिर उस तरह से मैं और वीडियो बनाऊंगी। और आगामी उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैं जल्द ही उत्तर प्रदेश के कुछ कलाकारों पर वीडियो बनाने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं, और अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी रखें। गुड लक, जय हिंद।